हेलो दोस्तों, किसी भी खिलाड़ी के बारे में जानने के लिए बीते सालों में उसके द्वारा किया गया प्रदर्शन खेल में देखा जाता है, जिसके आधार पर निर्णय किया जाता है कि कौन खिलाड़ी बेहतर स्थिति में है। चलिए इसी प्रदर्शन के आधार पर एक बार नजर डालते हैं। रोहित शर्मा, जिन्हें हिटमैन भी बोला जाता है, जिनके नाम वनडे मैच में 3 दोहरे शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, और विराट कोहली, जिन्हें रनों की मशीन बोला जाता है और पूरे रनों की फैक्ट्री ही लगते हैं जनाब ये, तो फिर भी देखते हैं कौन है बेहतर। पहला पॉइंट, T20 मैचों में विराट अभी भी अपने पहले शतक की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि रोहित शर्मा ने इस प्रारूप में 4 शतक बनाए हैं, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। दूसरा, T20 मैचों में रनों और औसत के मामले में विराट कोहली बेहतर स्थिति में है, क्योंकि विराट ने सिर्फ 77 T20 मैच खेले हैं और 2689 रन बनाए हैं, जबकि रोहित शर्मा ने इस प्रारूप में 2633 रन बनाने के लिए 114 T20 मैच खेले हैं। इस फॉर्मेट में रोहित का औसत 32 का है, जबकि कोहली का औसत 52 का है। तीसरा, विराट के पास रोहित शर्मा की तुलना में टेस्ट मैचों में बेहतर रिकॉर्ड है। कोहली ने 7 दोहरे शतक बनाए हैं, जबकि रोहित ने टेस्ट मैचों में सिर्फ 1 दोहरा शतक बनाया है। हालांकि इसका कारण यह भी हो सकता है कि रोहित ने कोहली की तुलना में कम टेस्ट मैच खेले हों। चौथा, रोहित शर्मा बनाम विराट की अगर वनडे में तुलना की जाए तो यह तुलना साबित करती है कि कुल वनडे रन, शतकों की संख्या, अर्धशतक और औसत के मामले में कोहली रोहित शर्मा से बेहतर बल्लेबाज दिखाई देते हैं। हालांकि कोहली ने 1 भी दोहरा शतक नहीं लगाया है, जबकि रोहित शर्मा के नाम 3 दोहरे शतक है। पांचवा, विराट ने वनडे प्रारूपों में रोहित शर्मा की तुलना में 14 शतक और 14 अर्धशतक अधिक बनाए हैं। छठा, विराट कोहली तीनों प्रारूपों में औसत के मामले में रोहित शर्मा से कहीं बेहतर है। रोहित शर्मा का औसत तीनों फॉर्मेट में किसी में भी 50 तक नहीं पहुंचा है, जबकि विराट का औसत तीनों फॉर्मेट में 50 से ऊपर का है। सातवा, महानता को तय करने के लिए एक खिलाड़ी के प्रदर्शन में निरंतरता प्रमुख कारक होता है। जैसा कि हमने कई बार देखा है कि विराट ने कई मौकों पर अपने ही दम पर मैच को फिनिश किया है, यहां तक कि वे 39 पारियों में नॉट आउट भी रह चुके हैं। अतः रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच उपरोक्त सांख्यिकी तुलना ने साबित कर दिया है कि विराट कोहली तीनों प्रारूपों में रोहित शर्मा से बेहतर खिलाड़ी हैं। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि रोहित शर्मा विराट कोहली के सबसे मजबूत प्रतिद्वंदियों में से एक है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है इस बारे में, प्लीज कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी करें।